तो एक दो तीन और ये हम गए अंडर वॉटर। ये व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम फिर से खेल रहे हैं यूटोपिया ओरिजिन। तो आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इस अंडर वॉटर आइलैंड को। और देख सकते हो मैं आ गया हूँ ठीक से, यहाँ पे सामने बीकन भी दिख रहा है ठीक है। और मैंने ये पेट इसलिए अटैम्प किया था अगले वीडियो में ताकि मैं इसको एक्सप्लोर कर पाऊँ। और इसको एक्सप्लोर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसको अगर मैं एक्सप्लोर कर लिया तो मेरी काफ़ी चीज़ें अनलॉक हो जाएंगी। जैसे कि मेरे को भी फिशिंग मशीन भी चाहिए, तो उसके लिए चाहिए ब्रोकन पर्ल जो कि मिलती है हमें यहाँ पे ठीक है। तो या आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी और सोचा कि वीडियो बना देते हैं आपके साथ, एक्सप्लोर करते हैं इस आइलैंड को। मैं आज तक इस आइलैंड पर नहीं आया ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है मेरे को, ये आइलैंड अंडर वाटर है इसलिए ओके। और देखते तो कितनी क्यूट है अपनी ये। ओके तो बीकन अनलॉक करते हैं। ओके भाई यहाँ से अनलॉक होता है, पेट को बुला लेते हैं भाई। और एक बंदे ने पूछा था कि पेट को कैसे लेवलअप करें। भाई पेट को लेवलअप करने का एक ही सोर्स है, या तो आप उसको पेट फिट खिलाओ या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करो ठीक है। जैसे कि आप माइनिंग वाइनिंग कर रहे हो तब उसको यूज़ करो तो वो भी लेवलअप होगा साथ में। तो अपना हो गया ये अनलॉक। ओके तो अब अंडर वाटर कैसे जा सकते हैं मेरे को कुछ आइडिया नहीं। और भाई वो यहाँ आइलैंड्स भी है, मेरे को लगा था खाली अंडर वाटर ही होंगे सारी चीज़ें। ओके ज़्यादा यहाँ पे लैंड नहीं है, सारी चीज़ें अंडर वाटर है। ओके तो जाते हैं अंडर वाटर। पहली बार भाई सांस तो ले पाऊँगा ना मैं, और मेरे को ये नहीं पता कि ये उसके अंदर चलेगी या नहीं। तो कूदते हैं, एक दो तीन नहीं, अरे कुछ नहीं हुआ भाई। ये तो मेरे को लगा ये चला जाएगा अंदर वाटर। ओ भाई यहाँ तो टर्टल बॉटल से, ओ नाइस। ओ भाई साहब ये टर्टल्स मेरे को काफ़ी कूल लगते हैं, इसको मैं टेम करूँगा शायद से। ओके अरे ये क्या है, अरे भाई काफ़ी नई चीज़ें हैं ये, कुछ बग टाइप की चीज़ है। इसको स्कैन करते हैं, अरे हो जा स्कैन। ओके वो भाई काफ़ी कूल लग रहा है ये तो। कोई कीड़ा बीड़ा है तो काटेगा तो नहीं ना ये। ओके ब्रांच कुछ टाइप का कुछ नाम है इसका ठीक है। ओके चलते हैं इस साइड, आई थिंक यहाँ से हम जा पाएंगे अंडर वाटर। और इसके ट्रीज भाई काफ़ी बड़े, ये रबर ट्रीज है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बाइक भी बना लूँ अपने लिए, जो थंडर है वो। और उसके लिए चाहिए मेरे को स्टीम स्टोन, तो वो भी देखना पड़ेगा। शायद से मैंने एक ट्राइब को ज्वाइन कर लिया है ठीक है, नाम तो मेरे को नहीं पता अभी। ओके अब शायद से यहाँ से जाते हैं ऊपर क्लाइंब करके एकदम। पैरट को बुला लेते हैं अपने, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे हम। ओके अरे भाई क्लाइंबिंग में ये पैरट नहीं आएगा। ओके बुलाते हैं पैरट को। और हाँ आप लोगों का काफ़ी भाई शुक्रिया, आप लोगों ने माइनक्राफ्ट की वीडियो में काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया, तो उसके लिए शुक्रिया। ओके यही है शायद से मेन चीज। ओके यहाँ से हम जंप कर पाएंगे। ओके देख सकते हो मेरे को जंप की वो दिख गई। ओ भाई काफ़ी कूल है भाई आइलैंड ये। अरे नीचे कूद मेरे भाई। ओके तो क्या गाइस बोलते हो क्या करें जंप। ओके अपने माउंट को बुला सकता हूँ मैं क्या इसको। ओके डोंट नो हाउ टू डाई। ओके जंप इन टू वाटर। ओके लेट्स जंप। अरे कुछ नहीं हुआ भाई। अरे भाई अंदर कैसे जाऊँ मैं। अरे भाई ये क्या भाई, मेरे को कुछ डाइविंग सूट तो नहीं चाहिए ना ये। आप ये फिर प्रॉब्लम ना हो तो अच्छी बात है, एक बार फिर ऊपर जाते हैं। अरे भाई मेरे को करना क्या, कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी। ओके भाई करना क्या है। ओ भाई शायद से फंस गया मैं इस आइलैंड पे। ओके हाथ तो गया यहाँ पे। पैरट को बुलाते हैं अपने। अरे भाई निकल गया निकल गया। अरे भाई करना क्या आप लोगों को पता हो तो मेरे को बताना भाई, यहाँ मैं नहीं जा पा रहा अंडर वाटर। भाई यहाँ कुछ ये अनलॉक बनलॉक तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं ये कुछ दिख रहा है मेरे को। ओके ये क्या है। ओके व्यू तो ओके क्या एन अनएक्टिव तो स्लीपिंग ओल्टर या एक्टिव तो। ओके दिस सेम यू समथिंग इज नीडेड टू एक्टिवेट द ऑल्टर। ओके क्या इसको चाहिए क्या। अरे भाई इसकी बिना हम नहीं जंप कर पाएंगे क्या। ओके
जंपिंग इन टू वाटर इज डेंजरस इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डाइव। ओके अभी मैं डाइव करना कहाँ से सीखूँ भाई? ओ भाई ये भी प्रॉब्लम्स है। ओके तो अब मेरे को ये अनलॉक करना पड़ेगा, तो ये इसके सीजे में कहाँ से ढूंढूँ भाई, अब पता नहीं। ओके तो ढूंढते हैं इसकी सीजे, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ भाई। मैं अटक गया यहाँ पे, ठीक है। ओके तो हम आ चुके वापस और मेरे को पता चल गया क्या चाहिए। मेरे को एक बार नीचे उतरने दो, ठीक है। मुझे तो लगा था कुछ रेयर चीज़ चाहिए होगी, पर नहीं, हमें चाहिए ये। देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये देखो सेंट ऑफ फोम, ठीक है। ये आपको आसान से वाटर में मिल जाते हैं, आपको सबको पता ही होगा भाई, ठीक है। तो ओके हमें चाहिए 5 सेंट ऑफ फोम, ठीक है, ताकि हम आई थिंक इसके अंदर ऑक्सीजन होता है तो हम सांस ले पाए, ऐसा तो कुछ सीन होता है ना, आई थिंक। ओके सबमिट करते हैं, नाइस। ओके स्लीपिंग सी, नाइस, ये एक्टिवेट हो गया। अब शायद से हम डाइव कर पाएंगे नीचे, ठीक है। ओके ओके तो कुछ टाइमिंग तो नहीं है ना, ये बात मेरे को ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। शायद से 5 सेंट ऑफ फॉर्म की मदद से हम एक बार ड्राइव कर पाएंगे। तो 1 2 3 और ये हम गए अंडर वाटर, नाइस भाई। भाई काफ़ी कूल है ये। ओ भाई काफ़ी कूल भाई, ओ नाइस। ओ भाई एक ट्रेजर चेस्ट है, तो मैं भी ट्रेजर वेजर ज़्यादा नहीं लूटूंगा, ठीक है अभी, क्योंकि हमें ओके या ये अंदर चल सकती है तो ये भी अच्छी बात है। तो अब मैं ट्रेजर व्रेजर ज़्यादा ये लूटने की ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि अब मेरे को एक्सप्लोर करना है, उसके बाद में मैं देखेंगे सारी चीज़ें। ओ भाई ये वो क्रेव है ना वो वाला शायद से, ओके ये नहीं है। तो भाई यही मेरे को भाई नए नए जो जानवर देखने को मिलते हैं वही एक्साइटिंग चीज़ होती है मेरे लिए, तो बाकी नई नई चीज़ें तो मिलती रहती है। और ओके और ये क्या चीज़ें देखते हैं? ओ भाई फिशिज, नाइस। ओके सिल्वर कैप, ओके ये क्या है? ये डैमेज करता है हमें या फिर पता नहीं मेरे को, देखते हैं इस बंदे को। टर्टल लग रहा है मेरे को, वो इसके अंदर आके भाई मेरे को सबनोटिका की याद आ गई, एकदम पीसी वाला फील आ रहा है अभी तो। ओके ये अटैक करेगा? ओके नहीं, फ्रेंडली है, ठीक है। तो आई थिंक ये एक भूल भुलैया टाइप है, मैंने जहाँ तक मेरे को पता है। आई थिंक हमें इसमें पर एक रूट के साथ चलता जाना है, दिखाता हूँ मैं मैप में। ओके देख सकते हो, तो इसमें एक फिक्स रूट है, तो उसके अंदर हम जा पाएंगे आई थिंक। ओके ये क्या है? स्टार फिश, ओके स्टार फिश, नहीं पकड़ नहीं पाएंगे हम अभी इसको। ओके तो जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं भाई, काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है मेरे को। ओके सेंट फॉर्म को कलेक्ट कर। ओके ये सेलकोप है, मेरे को लगा स्टार फिश ही से ये। ओके ओ भाई यहाँ एक ट्रेजर है, तो ट्रेजर्स में अभी ध्यान नहीं दूंगा मैं। टर्टल्स, ओ भाई ओरे भाई, मुझे को लगा बहुत बड़ा मिलेगा सेलकोप, नहीं काफ़ी छोटा था। ओके ये कैल्फ से, ओ नाइस। और सामने एक ओपनिंग है, और नहीं यहाँ से तो वापस जा रहा हूँ मैं। ओके इस साइड जाना है, शायद से अब होगा ओपन मैन समुद्र, वो नाइस वो भाई। ओके ये क्या है? ये बड़ा वाला है शायद से किंग, देखते हैं इसको। ओके इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो भाई वहाँ देख सकते हो अंडर वाटर एंड एलियंस, ठीक है, तो उनकी भी इन्फॉर्मेशन। ओके शाइनी टर्टल, ओके इनकी, अरे अरे ये फ्रेंडली नहीं लगते मेरे को, अरे तेरी माँ की, कहाँ गया तेरे को मार के ही मेरे को तेरी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ी। अरे मार भाई इसको, अंदर पेट को बुला सकते हैं, ओ नाइस पेट को हम अंदर भी बुला सकते हैं, तो ये तो काफ़ी कूल चीज़ है। वेरबुल तू सांस तो ले पा रहा है भाई, मैंने तुरे बुरा तलिया, तू मर तो नहीं जाएगा वैसे, लॉजिक कुछ काम। ओके ब्रोकन पल, नाइस, इसकी भाई बहुत ज़रूरत थी मेरे को, ताकि इसकी मदद से हम फिशिंग मशीन में काफ़ी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। और फिशिंग मशीन का काफ़ी यूज़ होने वाला है आगे मेरी वीडियोज़ में, क्योंकि मैं मस्त प्लान बना रहा हूँ, ठीक है। ओ पाई और टर्टल भाई, टर्टल्स ही हैं यहाँ पे, और ये ग्रास, और नाइस ग्रास को कलेक्ट करते हैं शायद से, सिल्वर क्लैप कैल्प, ठीक है। ओके ओ पाई ओपन समुद्र एकदम, मशरूम्स, और इसका नाम क्या है शायद से, इसको देखते हैं क्या है ये, हैकलिंग भाई प्रनाउंस नहीं कर पाऊँगा मैं तो, खाम खा मेहनत नहीं करेंगे। ओ भाई यहाँ काफ़ी कोल दिख रहा है, देख सकते हो ये,
अबे नीचे नीचे कैसे जाएं? ओके ये रही, ओके। अरे भाई सेल्को भी मिल रहे हैं मेरे को। ओके ये ग्रास आई थिंक रेयर चीज़ है, आई थिंक, पता नहीं। ओके ऊपर जाते हैं। ओके इसे डाइव कर पाएंगे, इसे ऊपर जाएंगे, नाइस। ओके समझ गया, थोड़े कंट्रोल सीखने पड़ेंगे इस वो अंडर वाटर सीज के। और यहाँ एक ट्रेजर है। ओके भाई, अरे अरे भाई, यो भाई ये तो गार्डियन से है एकदम ओपी वाले। ओके ओ नाइस, मेरे को अभी तक तो कूल लग रहा है, ठीक है। ये क्या है? न्यू कलेक्शन स्केलेटन ऑफ मरीन एनिमल्स। ओके अंडर वाटर एनिमल्स का स्केलेटन। ओ भाई ये क्या है? सी हॉर्स देखते हैं इसको टेम कर पाएंगे क्या, पता नहीं अभी तो। आई थिंक ये टेमेबल हो तो भाई मैं इसको टेम करूँगा 110% शायद से, तो काफ़ी कूल लग रहा है मेरे को, ये देख सकते हो। देखते हैं टेमेबल है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। ओके यहाँ जाते हैं। ओ भाई काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हैं इसे मॉन्स्टर्स में। अरे तेरे को नहीं दिखना मेरे को, ठीक है। ओके ये रहा, ओके ये रहा। आई थिंक भाई ये तो बैटल पेट है, ठीक है। ओके ये बैटल पेट है, इसको माउंट नहीं कर पाएंगे। ओ भाई मेरे को लगा इसको माउंट कर पाएंगे हम। ओके ये अटैकर होगा शायद से। क्रॉसिंग मरीन ड्रैगन, ओके पता नहीं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ भाई, मेरे इसको लड़ना नहीं इससे। अरे भाई मेरी हेल्थ, ओ भाई सब भागो यहाँ से। अभी ये क्या है? और मेरी हेल्थ भाई गया। भागो भाई, ये अच्छी बात है कि अंदर हमारी स्पीड काफ़ी अच्छी है। फीड खाने दो भाई मेरे को भी। और भाई यूट्यूबिया के अंदर कुछ हीलिंग की आइटम्स नहीं है, मैंने जहाँ तक नोटिस किया है भाई कुछ भी नहीं है हील करने के लिए। ओके और ऊपर जाते हैं। ओके ये क्या है? ये इसको हम कुछ यूज़ भी उसे इस चीज़ का फीयर नहीं देख सकते, काफ़ी ज़्यादा है ये। ओके और एक नया एरिया। ओके देखते हैं आगे। और अभी ओ यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, थोड़ा नीचे जाते हैं। ओके भाई इनका ही राज है यहीं तो, इन जो ओ पाई शार्क्स, दूर रहो इनसे भाई साहब। मेरे को पता भाई शार्क एक बार पीछे पड़ गए भाई, ये पीछा ही नहीं छोड़ती भाई। मैंने एक बार टेम करने की ट्राई की थी, मैं तो पहले खेलता था, डैमेज भी काफ़ी तगड़ा करती है भाई शार्क्स, तो इनसे ज़्यादा जहाँ तक बने तब तक दूर ही रहो भाई। पर मैं इनकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ ताकि अगर टेम करना चाहें तो पता चल सके इनका फीड बीट क्या है, ठीक है। इन ये टेमेबल शार्क्स है या फिर डेकोरेशन के लिए है ये नहीं पता मेरे को। ओके आई थिंक ये सही में डेकोरेशन शार्क्स है या फिर, अरे इसकी हम इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा सकते। ओके हाँ मेरे को लगा भाई ये खाली डेकोरेशन के लिए तो नहीं है ना ये, वरना यूट्यूब या से बेवकूफ गेम कोई नहीं होता अगर ये हो डेकोरेशन के लिए होती तो भाई। ओके यंग मार्केट शार्क यही है, नॉर्मल वाली शार्क जिनको हम टेम करते हैं। ओ भाई ये तो भाई सूरवीर है यार, एक तो तलवार लेके यहाँ गार्ड कर रहे हैं अपने एरिया को, इनका कोई किंग विंग तो नहीं है जिनसे मेरे को लड़ना पड़े भाई। ओके ओ भाई विजार्ड और भाई काफ़ी टाइप के हैं ये, आई थिंक ये अंडर वाटर एमपीस टाइप है, ठीक है। जैसे रुइन एमपीस है और नॉर्मल एमपीस, और ये अंडर वाटर एमपीस यही चीज़ है। ओके और यूट्यूब पर मेरे को एक बात भाई गंदी लगी, ये एक मॉब को बहुत ज़्यादा डाल देते हैं गेम के अंदर, जैसे वो आइलैंड है नया वाला उसके अंदर भाई इल्यूजनरी ग्रास को भर भर के डाला है। इसके साथ भाई तुम टाइम लेके उस न्यू क्रिएशंस को डिजाइन करो भाई, क्या भाई तुम कर रहे हो। ओके ओ भाई ये क्या है? ये आई थिंक माउंट हो सकता है, इसको आई थिंक हम माउंट कर पाएंगे, सी ड्रैगन है ना ये। और भाई तेरी कौन है, ये कौन है? ओके गया अपना टर्टल उसके पीछे। ओके इसकी इन्फॉर्मेशन लेने दे भाई, मैं इसको एक बार इन्फो लेना चाहता हूँ इसकी। ओके ले रहा है इन्फो, नाइस।
भाई एक्सप्लोरेशन करने में मेरे को मज़ा आता है, पता नहीं क्यों गेम्स में। और अभी काफ़ी आइलैंड बाकी है, और तुम लोग बता कहते थे ना कि भाई बिग वीडियो बनाओ, तो शायद से ये बहुत बिग होगा वीडियो। ओके देखते हैं इसको टेम कर पाएंगे हम या नहीं। मेन में जाते हैं, अगर इसको टेम कर पाए तो भाई, अरे अरे भाई क्यों सारे भाई बैटल पेट्स से, मेरे को बैटल पेट्स वैसे भी पसंद नहीं है भाई ज़्यादा। ओके इस साइड अब एक्सप्लोरेशन बाकी है थोड़ा सा, तो चलते हैं। ओके यहाँ से निकल, नहीं यार यहाँ तो कुछ नहीं है, अरे मेरे को लगा यहाँ से निकल जाएंगे हम। ओके जैसे मैप में देख देख के जाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। और मेरे को भाई यहाँ कन्फ्यूज़न होता है बंदों को कि कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, यहाँ पे काफ़ी ब्लरी है चीज़ें। ओके और भाई यहाँ कुछ न्यू चीज़ है तो इसको भी कलेक्ट करते हैं। अरे ये क्या, लिटिल ओशियन ट्रेजर के, ये डैमेज अच्छा ले रही है तो इसको भी भाई माइंड करते हैं। ओके अचीवमेंट भाई काफ़ी मिल रही है, स्केलेटन ऑफ मरीन एनिमल्स। ओके इनका कुछ यूज़ होता है स्केलेटन की, अपने ब्राइटनेस में थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। ओके ओ भाई अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ओ भाई अगर भाई ऐसे में एक्सप्लोर करता रहा तो बोरिंग हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी सी अगर इंटरेस्टिंग चीज आएगी तो ही आपको दिखाऊंगा भाई, क्योंकि वैसे तो शायद आप लोगों ने शायद से मेरे पहले ही एक्सप्लोर कर लिया होगा, ठीक है। ओके ये कुछ न्यू चीज़ है, तो या कुछ नई चीज आएगी तभी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ भाई, पता नहीं ये क्या चीज़ है। ओ भाई ये है क्या, अरे मेरे को लगा भाई कुछ जीव होगा इसलिए मैंने यहाँ पे रुका। मैं इसको डैमेज कर पाएंगे क्या, नहीं। अरे भाई मेरे को लगा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। ओके इस साइड भी है रास्ता, इस साइड भी है, तो इस साइड। ओ भाई अरे भाई साहब ये तो काफ़ी कूल लग रहा है भाई, हम जा रहे हैं मौत के कुएं में अभी, देखते हैं क्या होता है। ओके ओके ओ भाई साहब आई थिंक अब हम डीप सी में आ गए हैं, अंडर वाटर। ओ भाई इस साइड बड़ा एरिया है तो इस साइड जाते हैं। ओके ये स्केलेटन और स्केलेटन ऑफ मरीन एनिमल्स को कलेक्ट करते हैं, आई थिंक ये थोड़ी ज़रूरी चीज़ है। ओके ऊपर ऐसे लग रहा है कि हम किसी वेल के पेट में आ गए भाई, हड्डियाँ ही हड्डियाँ चारों तरफ। ओके देखते हैं इस साइड, अरे भाई ये भूल भूलिया टाइप है, ठीक है, इसलिए मेरे को भाई इतना भी मज़ा नहीं आ रहा एक्सप्लोर करने में। ओके यहाँ क्या है, ओके अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं टाइप से यहाँ पे। ओके ये क्या है, ओके ये कुछ चीज है टाइप से। ओके अब मैप में देखते हैं हम कहाँ हैं। ओके गाइस तो मेरे को लगता है कि भाई अभी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं है। ओ भाई ये क्या है, अरे भाई बड़ा सा ऑक्टोपस, ठीक है। तो या अब मैं एक्सप्लोर करता हूँ चीज़ें, अगर मेरे को उस इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, वरना भाई सारी चीज़ें सेम ही है इस गेम इसके अंदर, वो अंडर वाटर के अंदर, ठीक है। तो या मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है तभी आपको दिखाऊँगा। ओके तो मैं इस साइड आ गया हूँ कुछ दीवार के टाइप सीज के पास, देखते हैं इसके आगे कुछ इंटरेस्टिंग है या नहीं। दिख तो काफ़ी कूल लगी है दीवार, ठीक है, आई थिंक इसके उस तरफ भी सारी चीज़ें सेम ही होंगी आई थिंक। ओके यहाँ से जा पाएंगे, नाइस, दिखने में तो कूल है भाई, अंदर से भी इतनी कूल हो तो अच्छी बात है चीज़ें। ओके निकल पाऊँगा मैं बाहर, खामे घूमता रह जाऊँ यहाँ पे, ठीक है। ओके निकला तो सही कहीं पे, ओके नाइस, शायद देखते हैं कुछ हो तो अच्छे से, ठीक है, अभी तक तो मेरे को कुछ दिखा नहीं। ओके भाई वोल्केनो है सामने एक, अरे ओ भाई अभी ये क्या है, ओ भाई ये तो कुछ महल टाइप लग रहा है, ठीक है देखते हैं। ओ भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है, मेरे को लगा था भाई इस मैप में ज़्यादा कुछ, मेरे को पहला लगा था कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, अब इतना नहीं है, पर देखते हैं अब शायद से मैं गलत भी हो सकता हूँ। माइन स्टील ऑफ ओल्ड एज, ओके हाँ ये भी कुछ चीज़ है मेरे को पता है, पर पता नहीं इसको मैं बाद में माइन करेंगे, अभी एक्सप्लोर करते हैं। ओके इस साइड चलते हैं इस महल के अंदर। ओ भाई ये तो वो बिग वाला है ना टर्टल, ठीक है,
ये शायद से फ्रेंडली मॉब्स होते हैं या फिर ओके अरे नहीं ये फ्रेंडली नहीं है क्योंकि इसके ऊपर जो ये गार्डियन टाइप का जो चीज बैठी है देख सकते हो साला मतलब ये फ्रेंड ओ भाई मैं शायद से कुछ गलत जगह पे आ गए हूँ पता नहीं क्या है ये तो ओ भाई साहब काफ़ी कूल लग रहे भाई ये बंदे तो वैसे ओके इनसे बचना आसान है क्योंकि ये बुद्धू है साले ओके ओ भाई नाइस ओ भाई ये तो एकदम ही फाइटर टाइप लग रहा है भाई बंदा इससे पंगा नहीं लेने वरना मेरे ही बैंड बजा देगा ये ओके देखते हैं ये क्या सीधे अरे भाई माइन स्टील ऑफ ओल्ड डेज भाई ये तो पता नहीं कुछ स्टील ऑफ ओल्ड डेज है मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में क्या चीज़ है ये ठीक है ये ओ भाई ये तो मस्त है भाई एक जगह एकदम मेरे को लगा था कुछ खास नहीं है इस मैप में पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है मैप ओ भाई ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और उसका ध्यान भाई सज ना जाए तो अच्छी बात है और मैं ये एक चीज़ देखना चाहता हूँ ये मटके जैसी चीज़ क्या है ओके अभी ये क्या है ओपन विथ सेल ओके पता नहीं नीड टू अरे भाई ओपन बाई फोर्स करते हैं अरे भाई कुछ अपीयर हुआ ओके अरे ये क्या है अरे भाई भागो मेरे को अभी कुछ बंदे से पंगा नहीं ले वो मटके में से निकला वो भाई और यहाँ पे एक गार्डियन है नाइस भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे को लगा था इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा मैप ठीक है तो अभी मैं ज़्यादा कुछ चीज़ों को छेड़छाड़ नहीं करूँगा ओके ये क्या है मैं सबको अरे स्कैन करके देखना चाहता हूँ भाई ओके स्कैन कर भाई ओके यही निकला था ना मटके में से वो वाले तो देखते हैं ये क्या है अभी अरे भाई ये एक जगह टिकते नहीं इसलिए स्कैनिंग रुक जाती है भाई बार बार न्यू मॉन्स्टर एडिट पता नहीं भाई एप्सियोल गार्डियन को से एप्सियोल एक आर्मर है आई थिंक मेरे को पक्का तो नहीं पता ठीक है वो ओ भाई ओ अरे अरे भाई भाई ये वोल्केनो फट्टा है लिटरली ये फट्टा है भाई क्या कूल चीज है भाई ये ओ भाई साहब नाइस ओके अरे स्टे अवे भाई रह रहे मेरी हेल्थ जा रही है मैं नीचे जाता हूँ वोल्केनो से भागो भाई मैं मर जाऊँगा वैसे तो ओके दूर रहते इससे ओ भाई ये फट्टा है भाई ये फटा और मेड़ी फाड़ दी भाई इसने इसके पास नहीं जाने वाला अभी मैं और अगर मैं इसके ऊपर गया फटा तो ओके ये क्या है अब भागो 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 मेरी हेल्थ गई वो नहीं वो भाई साहब अरे भाई नहीं भाई मैं भाई मर गया ठीक है सो अब मैं वापस से यहाँ आऊँगा तो काफ़ी देर हो जाएगी और मेरे पास अभी वीडियो आगे रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं है ठीक है तो इस वाले एरिया को मैं शायद से ऑफलाइन एक्सप्लोर कर लूँगा तो अभी शायद मेरे को नहीं लगता कि आगे कुछ अच्छी चीज़ होगी ठीक है तो या मिलते हैं अगली वीडियो में और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं यहाँ मेरी लास्ट देर रही है कोई प्लेयर भी नहीं आसपास ठीक है तो मेरे को रिवाइव करें और मैं वापस यहाँ आया तो काफ़ी देर हो जाएगी ठीक है सो या आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।